आगाज अच्छा नहीं हुआ है टीम इंडिया का तीसरे टेस्ट मैच में। हालांकि पहला विकेट बहुत जल्दी हमने गिरा लिया था, डेविड वार्नर को बहुत सस्ते में हमने आउट कर दिया था, सिराज ने पुजारा के हाथों उन्हें कैच आउट करवा दिया था, लेकिन उसके बाद जब बारिश ने खलल डाला और उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग शुरू हुई तो एक बार हमारे पास फिर मौका था कि हम ऑस्ट्रेलिया की टीम पर दबाव बना लें, उनके विकेट चटका लें। लेकिन ऋषभ पंत, जिनका बहुत बड़ा नाम है, जिनको जिनसे बहुत उम्मीदें हैं, उन्होंने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और लगातार लगभग दो ओवर के अंतराल में दो कैच उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ओपनर विल पुकोवस्की के छोड़ दिए। एक बहुत ही आसान कैच था अश्विन की बॉल पर, सीधा कैच था, बहुत माइनर सा एज लगा था, लेकिन उस सीधे कैच को भी पंत ने टपका दिया। और उसके बाद कुछ अगले ओवर में, एक या दो ओवर के बाद, मोहम्मद सिराज ने बाउंसर लगाई विल पुकोवस्की को, उनका ग्लव्स का ऊपरी भाग लगा, बॉल हवा में उछली और वो भी सीधा सा कैच, थोड़ा सा पीछे जाके पकड़ना था, लेकिन बहुत आसान होता है क्रिकेट के नज़रिए से अगर हम देखें, इंटरनेशनल लेवल पर हम देखें, लेकिन वो भी कैच पंत ने छोड़ दिया, जिसके बाद विल पुकोवस्की अब टिक गए हैं। कुछ उसके बाद तीन चार चौके भी उन्होंने लगा दिए हैं और मैं उम्मीद ये करूँगा कि जब ये मैं खबर अपलोड करूँगा तब तक वो आउट हो जाए, नहीं तो फिर पंत को बहुत गालियां पड़ने वाली हैं, क्योंकि ट्विटर पर अब से ही उनको लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया है। बहुत सारे लोग हैं जो उनका ये वीडियो ट्वीट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और उससे पंत को खूब सुना रहे हैं कि आपने ये क्या कर दिया, आप इंटरनेशनल लेवल पे इतनी घटिया कीपिंग कैसे कर सकते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, ये दोनों सिंपल कैचेस थे या फिर आपको लगता है नहीं छूट सकते हैं, कोई बात नहीं है, बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।